मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ रजिस्ट्रेशन चैप्टर। और रजिस्ट्रेशन में अगर आप ध्यान से चल, इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज जो मैं आपको बोलने जा रहा था, वो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि एक तो आप एंटाइटल टू कलेक्ट टैक्सेस हो जाते हैं फ्रॉम कस्टमर, और आपको मिल जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अगर कोई पर्सन रजिस्टर्ड है तो उसको सबसे बड़ा एडवांटेज क्या मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। और सेकंड वन कि वो कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। रजिस्ट्रेशन पे अगर मैं आपको बताऊं तो ये बेनिफिट यहाँ पर आई गया कि बेनिफिट क्या क्या है। और बेनिफिट में अगर हम इसमें बात करें रजिस्ट्रेशन के लिए, तो रजिस्ट्रेशन जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा वो आपको, दैट इज ऑलवेज अ पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन, यानी हर पर्सन को का जो पैन नंबर होगा उस पैन नंबर के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन मिलेगा। सो इफ समबडी इज नॉट हैविंग द पैन नंबर, अगर किसी के पास कोई पैन नंबर नहीं है तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता। तो सर फिर क्या करें, पहले पैन ले ले फिर रजिस्ट्रेशन करा ले। पैन जो होता है, मैं आपको बता दूं, पैन आपका जो होता है वो हमेशा एक अल्फा न्यूमेरिकल नंबर होता है पैन। जैसे पैन इज अ 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक 10 डिजिट। जैसे मेरा पेन नंबर है AEFPG3020B। यहां पर ये वाला जो जी है ये सरनेम को शो करता है और ये नेचर ऑफ असेसी को शो करता है। जैसे अगर कोई इंडिविजुअल है तो पी आएगा, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो एफ आएगा, कंपनी है तो सी आएगा, HUF है तो एच आएगा, इस तरीके से होता है। बाकी ये ऑटो जनरेट होते हैं। तो जैसे मेरा गुप्ता है तो सरनेम आ रहा है यहाँ पर, किसी का अगर अग्रवाल होगा तो यहाँ ए आ जाएगा इस जगह। तो ये 10 डिजिट हमारा पैन नंबर होता है। अगर किसी के पास पैन है तभी वो जीएसटी के लिए अप्लाई करे, वरना उसे पैन ले तो 10 नंबर तो जीएसटी में ये पैन नंबर वाले ही होंगे। अब जीएसटी टोटल जो है वो आपका 15 डिजिट बेसिस पर होता है। अगर मैं यहाँ आपको बताऊँ तो जीएसटी 15 डिजिट रजिस्ट्रेशन नंबर है, जिसमें से 10 10 नंबर जो हैं वो तो आपके पैन वाले हैं। शुरू वाले 2 स्टेट बेसिस पर होते हैं, स्टेट कोड होता है फर्स्ट 2 डिजिट्स। 13 डिजिट नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस, एक स्टेट के अंदर आपके कितने रजिस्ट्रेशन है। सी मैं आपको ये बात बता दूं कि जो हमारा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो रजिस्ट्रेशन पैन बेस होता है और स्टेट वाइज होता है। यानी अगर किसी पर्सन के 4 स्टेट्स में वो काम कर रहा है, सपोज सपोज कोई पर्सन यूपी में काम कर रहा है, दिल्ली में काम कर रहा है, एमपी में काम कर रहा है, महाराष्ट्र में काम कर रहा है, तो उसको हर जगह का अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। पैन नंबर एक ही है बट उसी पैन नंबर पे उसे 4 रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे। और अगर यूपी के अंदर ही उसकी 4 दुकानें ए बी सी और डी, मान लीजिए 4 दुकानें, तो उसके ऊपर है कि वो इन 4 दुकानों का चाहे तो रजिस्ट्रेशन अलग ले सकता है और चाहे तो रजिस्ट्रेशन ना ले। सर फायदा क्या होगा उसे रजिस्ट्रेशन अलग लेने से। सी क्या होता है कि अब मेरी एक लखनऊ में शॉप है, मैं यूपी में हूँ, मेरी एक लखनऊ में, एक नोएडा में, एक मुरादाबाद में। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मेरे को अगर मैं एक रजिस्ट्रेशन हूँ तो मुझे सीरियली नंबर इनवॉइसेस चाहिए, उसके लिए मैंने सॉफ्टवेयर नहीं कर रखा है, ईआरपी नहीं है मेरे पास, तो क्या होगा मेरे लिए बड़ा हर एक का डाटा कंसोलिडेट रखना मुश्किल है। तो मैंने अपने 4 अलग अलग रजिस्ट्रेशन करा लिए, 3 अलग अलग अगर दुकान है तो 3 अलग अलग रजिस्ट्रेशन करा लिए, और अगर मैं कॉमन रख सकता हूँ तो रख लूंगा। यानी स्टेट के अंदर आप अगर हैं तो आपकी मर्जी है कि आप रजिस्ट्रेशन अलग लेना चाहते हैं या आप कंबाइंड रजिस्ट्रेशन रखना चाहते हैं, लेकिन अगर आपके पास अलग अलग स्टेट्स हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन अलग अलग लेना पड़ेगा। सो अगर हम यहाँ पर आए तो जीएसटी 17 डिजिट्स है। 17 डिजिट्स में से पहली 2 तो ये बताएंगे आप किस स्टेट में, नेक्स्ट 10 आपका पैन होगा, 13th डिजिट आपके कितने नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन है विद इन अ स्टेट, एक स्टेट के अंदर कितने रजिस्ट्रेशन है उसके बारे में होगा विद इन अ स्टेट। यानी मेरा यूपी के अंदर, अगर देखिए यूपी का सपोज मेरा कोड है 22 22, के बाद मेरा पैन आ गया AEFPG3020B और यहां मेरे 3 रजिस्ट्रेशन है तो 3 आ जाएगा। यूपी में मेरा एक है, ओवरऑल 3 है,
तो यहां एक ही आएगा। और सर लेकिन मेरे तो तीन है, तो भाई यूपी का 22 से स्टार्ट होगा, दिल्ली का कहीं और से होगा, किसी और का कहीं और से होगा, ये वन किसी एक स्टेट के अंदर कितने रजिस्ट्रेशन है उससे मतलब रख रहा है। सो विद इन अ स्टेट आपके कितने रजिस्ट्रेशन है उससे मतलब रख रहा है। 14 डिजिट ऑटो बाय डिफॉल्ट आएगा, 15 डिजिट भी एक नंबर होगी बाय डिफॉल्ट आएगी। सो अगर हम यहां पर हम बात करें बच्चों, तो प्लीज जरा देखिए, पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है ये रजिस्ट्रेशन जो है, अच्छा टैक्स बेस्ड नहीं होता है रजिस्ट्रेशन, यानी ऐसा नहीं है मैं सीजीएसटी के लिए अलग रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, एसजीएसटी के लिए अलग रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, आईजीएसटी के लिए अलग रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा एक अगर रजिस्ट्रेशन हो गया तो वो सब जगह काम करेगा। तो जीएसटी इज नॉट टैक्स स्पेसिफिक, टैक्स स्पेसिफिक नहीं है, सिंगल रजिस्ट्रेशन है फॉर ऑल टैक्सेस, वन रजिस्ट्रेशन पर स्टेट, हर स्टेट के लिए एक रजिस्ट्रेशन कराएंगे। लेकिन अगर आप एक स्टेट में नंबर ऑफ प्लेसेस अगर आपके ज्यादा हैं तो आप ज्यादा करा सकते हैं। However, business entity having a separate business vertical, अब vertical की कोई जरूरत नहीं है बेटे, अब अगर आपके business place, अगर आपके कई सारे business place हैं, चाहे आप उसमें एक ही काम कर रहे हैं, चाहे उसमें अलग अलग काम कर रहे हैं, यानी मैं कोचिंग में हूँ, कोचिंग के ही मेरे चार जगहों से मैं एक स्टेट के अंदर कोचिंग चला रहा हूँ, तो मैं चार रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ। और अगर एक जगह मैं कोचिंग कर रहा हूँ, एक जगह कपड़े का व्यापार कर रहा हूँ, तो भी मेरे पास ऑप्शन है। तो वर्टिकल वो होता था जब हम अलग अलग बिजनेस करते थे, लेकिन अभी ये अमेंडमेंट हो चुका है बिजनेस प्लेस के बेसिस पर है। ठीक है, जीएसटी नंबर को हम जीएसटी आई एन बोलते हैं, जीएसटी नंबर को हम जीएसटी आई एन बोलते हैं, जीएसटी। ठीक है जी, ये एक फॉर्मेट यहां दिया हुआ है। अब इसके बाद जो मेन कड़ी है वो आती है कि सर हमें रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कब लेना है और कब नहीं लेना। ये तो समझ में आ गया, पैन नंबर होगा तो मैं रजिस्ट्रेशन के अंदर जाऊंगा, ठीक बात है, आपके पास अगर पैन नंबर है तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे। स्टेट जैसी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में काम करूंगा तो डिफरेंट डिफरेंट मुझे रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्वेरी ये उठती है कि सर जो मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है वो लेना कब है, क्या ये मैंडेटरी है या ऑप्शनल है। देखो बेटे, रजिस्ट्रेशन की एक बात आप समझ लो, तीन पार्ट्स में रजिस्ट्रेशन चैप्टर बना हुआ है। एक है सेक्शन 22, सेक्शन 23 और सेक्शन 24। 25 ऑनवर्ड्स प्रोसीजर है कि हमें रजिस्ट्रेशन के लिए क्या फॉर्म भरना है, क्या सब काम करना है, लेकिन 22, 23, 24 रजिस्ट्रेशन कब लेना है कब नहीं लेना है उसके बारे में बात कर रहा है। 22 जो है वो टर्नओवर लिमिट बेस्ड रजिस्ट्रेशन है, एक सर्टेन आप अगर टर्नओवर को क्रॉस कर देंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। सेक्शन 23 है एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, आपको कब रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और सेक्शन 24 है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, हर हाल में आपको लेना ही पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। सर एक बात बताओ, 22 और 24 में क्या अंतर है। बेटे 22 आप कोई भी हो, आप व्हाटसोएवर, आप कोई भी हो, जैसे ही आप एक टर्नओवर क्रॉस करोगे, जो भी टर्नओवर 22 में मेंशन है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। 24 कहता है मुझे टर्नओवर टर्नओवर से कोई मतलब नहीं है, मेरे मैं कुछ कंडीशंस लिख रहा हूं, अगर उन कंडीशन में आप फॉल कर गए तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। यानी अगर आप 24 में फॉल कर गए तो आप चाहे 2 रुपए का भी टर्नओवर करिए, यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। लेकिन अगर आप 24 के अंदर नहीं फॉल कर रहे हैं तो फिर आप 22 में आएंगे, 22 में आपके हिसाब से आप तभी रजिस्ट्रेशन लेंगे जब आप एक सर्टेन टर्नओवर क्रॉस करेंगे। इसके अलावा हर आदमी के पास एक ऑप्शन है कि वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन तो ले ही सकता है। मेरी टर्नओवर बहुत छोटी सी है, मैं 22 क्रॉस नहीं कर रहा सेक्शन 22, क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। देखिए रजिस्ट्रेशन लेना से फायदे भी है नुकसान भी है। नुकसान क्या है, रजिस्ट्रेशन लेने के बाद जीएसटी वालों का शिकंजा कर जाएगा, उनकी नज़र में बकरा बन जाऊंगा, हर समय रिटर्न भरो, टाइम टू टाइम जो है टैक्सेस जमा करो, टैक्स कलेक्ट करो, खाते रखो, अनसंड बहुत सारी चीजें। बट फायदा क्या होगा, मेरे को इनपुट टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। अब आप ये समझिए, मान लीजिए मैं एक फैक्ट्री हूं, बिल्कुल अभी स्टार्टिंग कर रहा हूं, 1 करोड़ रुपए की मैं मशीन खरीद के ला रहा हूं और 1 करोड़ रुपए में 10 लाख रुपए का जीएसटी दे रहा हूं। सपोज 1 करोड़ की मैंने मशीनें खरीदी, 10 लाख का इस पे जीएसटी पे कर दिया, ये मुझे 1.10
करोड़ की पड़ी। अब अभी मेरी टर्नओवर शुरू ही शुरू हुई है, तो कायदे में तो मेरी टर्नओवर क्रॉस हो नहीं रही, तो अगर मैं रजिस्ट्रेशन नहीं कराऊंगा तो मैं लोगों से जीएसटी कलेक्ट नहीं करूंगा, और कलेक्ट नहीं करूंगा तो ये आईटीसी भी मेरा एडजस्ट नहीं होगा, और अगर ये आईटीसी मेरा एडजस्ट नहीं होगा तो मेरे को मशीनों की कीमत पड़ेगा 1,10,00,000। तो इसलिए लोग बिल्कुल स्टार्टिंग में इररेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, जिससे वो कस्टमर से तो कलेक्ट कर ही लेंगे जीएसटी, और उस जीएसटी को अपनी जेब में रख लेंगे कब तक, जब तक उनका ये इनपुट टैक्स एडजस्ट नहीं हो जाता, और अगर ये एडजस्ट हो जाएगा तो उनकी कॉस्ट केवल 1,00,00,000 पड़ेगी। तो ये डिपेंड करता है कि आदमी अगर हैवी इनपुट्स लगा रहा है जिसपे टैक्स देके आया है तो उसे शुरू में रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, दैट इज कॉल्ड वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। बट मैं वॉलंटरी की यहाँ कोई बात नहीं कर रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेक्शन 22, 23, 24। इसमें 23 सबसे ऊपर, 24 उसके बाद और 22 तीसरे नंबर पे। 23 में लिखा है किन लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, अगर 23 में आप फॉल कर गए तो 22 और 24 को बोलो बाहर, रजिस्ट्रेशन की बात मत करो, ठीक है। 23 सबसे ऊपर, 24 कह रहा है रजिस्ट्रेशन हर हाल में कराना है अगर कुछ सर्टेन कंडीशन है उनमें आप फॉल कर गए, और अगर आप 24 में भी फॉल नहीं करें तो आप जनरल आदमी है, फिर आप जाके देखिए कि आपकी टर्नओवर क्रॉस हो रही है या नहीं हो रही है, अगर टर्नओवर क्रॉस हो रही है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है किस सेक्शन में जाके, सेक्शन नंबर 22। इज इट क्लियर? ठीक है, तो 23 सबसे ऊपर, फिर 24 और फिर 22। यानी मान लीजिए मैं हूं गौरव गुप्ता, मैं 23 में आ गया तो मैं 22-24 की कुछ नहीं सुनूंगा, मेरा टर्नओवर कितना भी हो। 23 में नहीं आया फिर मुझे देखना पड़ेगा मैं 24 में तो नहीं आ गया, अगर मैं 24 में आ गया तो मेरा टर्नओवर कुछ भी हो मुझे रजिस्ट्रेशन हर हाल में करना पड़ेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। सर मैं 23 में भी नहीं आया, 24 में भी नहीं आया, तो मैं 22 में जाऊंगा, फिर मैं देखूंगा क्या मैं रजिस्ट्रेशन, टर्नओवर मेरी क्रॉस हो रही है तो मैं कराऊं वरना नहीं कराऊं। अगर टर्नओवर से कम हूं तो वॉलंटरी मेरे लिए हमेशा ऑप्शन खुला हुआ है। तो नाउ वी बिगिन विद सेक्शन 22, वी बिगिन विद सेक्शन 22। 22 किस बारे में बात कर रहे हैं? पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कौन कौन लोग रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हैं। देखिए 22 टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा है, 22(1) सेक्शन 22(1) ये बात कर रहा है टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन की। सेक्शन 22(1) में आप क्या कहते हैं, 22 में और भी पार्ट्स हैं जिसमें 22(1) टर्नओवर के बारे में बात कर रहे हैं। ये कह रहा है अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर, यानी जिस ईयर में आप रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी टर्नओवर, टर्नओवर भी कौन सी बेटा, एग्रीगेट टर्नओवर। क्या ये सुना है आपने नाम? यस, कंपोजिट सप्लाई जब मैंने पढ़ाया तो एग्रीगेट टर्नओवर बताया, बट उसमें एग्रीगेट टर्नओवर लास्ट ईयर का था जिसके अंदर इंटरेस्ट वगैरह से हुई अर्निंग को हम काउंट नहीं करते थे। यहां पर जो एग्रीगेट टर्नओवर है उसमें इंटरेस्ट की इनकम को भी काउंट करेंगे, और ये करंट फाइनेंशियल ईयर जिसमें आप रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं उससे मतलब है। तो देयर इज अ डिफरेंस, कंपोजिट में लास्ट ईयर का टर्नओवर देखते थे, रजिस्ट्रेशन में करंट ईयर का देखते हैं। रजिस्ट्रेशन के केस में इंटरेस्ट को एक्सक्लूड नहीं करते, उसमें एक्सक्लूड करते थे। तो टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर का अगर एक्सीड कर जाए 20,00,000, 10,00,000, ये 40,00,000 दिया हुआ, बट ये 40,00,000 सेक्शन 23(2) के अंदर है। सेक्शन 23(2) के अंदर एक लिमिट दी हुई है 40,00,000 की, कुछ लोगों को 40,00,000 रुपए तक की टर्नओवर पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। 22 सिर्फ दो लिमिट दे रहा है, 20,00,000 और 10,00,000। 20,00,000 और 10,00,000 से टर्नओवर एक्सीड हो तभी रजिस्ट्रेशन कराना है, जरा ध्यान से समझिएगा। 23(2) के अंदर गवर्नमेंट के पास पावर है कि थ्रू नोटिफिकेशन वो ये एक कुछ भी एग्जम्प्ट कर सकती है, तो कुछ लोगों को गवर्नमेंट ने 40,00,000 की एग्जम्पशन दे दी। अब जरा देखिए, मान लीजिए हम 23(2) वाले लोगों के अंदर आ गए जिसमें 40,00,000 तक रुपए तक पे टर्नओवर पे रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। सपोज माय टर्नओवर इज 30,00,000 और मैं 23(2) वाले बंदों में आ गया, 22 कह रहा है लेकिन आप 20 से ऊपर हो गए रजिस्ट्रेशन कराना है, तो 23 बोलेगा भाई सबसे ऊपर मैं हूं, मैंने जो कह दिया उसे मानोगे, 22 की बाद में बात मानी जाएगी। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यानी एक पर्सन 23(2) के अंदर फॉल करता है, उसकी टर्नओवर 35,00,000 है। अब 23(2) के हिसाब से 40,00,000 रुपए तक की जिनकी टर्नओवर है अगर वो सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, आप उनमें फॉल करते हैं, तो 40,00,000 तक पे रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। तो बंदा अगर मान लीजिए 23(2) में फॉल करता है तो 35,00,000 पे उसे रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, पर सेक्शन 22 कह रहा है कि 20,00,000 से ऊपर पे रजिस्ट्रेशन कराना ही है।
तो 23 कहता है मैं सुप्रीम हूं इसलिए सेक्शन 22 नहीं लगेगा, इसलिए 22 को हम रीड विद सेक्शन 23 दो पढ़ते हैं, इसलिए हम तीन लिमिट लिखते हैं, 40 लाख, 20 लाख और 10 लाख। इज इट क्लियर? यानी सेक्शन 22 ने सिर्फ दो लिमिट दिए, 20 लाख और 10 लाख, बट 23 इज अ सुप्रीम सेक्शन और 23 ने साफ साफ कहा है कि 40 लाख रुपए तक पे 23 दो में लिखा हुआ है कि कुछ लोग हैं जो 40 लाख तक के अगर टर्नओवर करते हैं तो भी वो जीएसटी से एग्जम्प्ट होंगे। तो नाउ, अच्छा दूसरी बात ध्यान रखें, सप्लायर बेस है। देखिए जीएसटी में दो लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ सकता है, जिसे भी टैक्स जमा करना है गवर्नमेंट को उसे रजिस्ट्रेशन कराना है। तीन लोग होते हैं जिन्हें टैक्स जमा करना होता है, सप्लायर, समटाइम रिवर्स चार्ज केस में रिसिपिएंट, और कई बार ईसीओ भी कराते हैं। 22 बात कर रहे हैं सप्लायर की, रिसिपिएंट वगैरह की बात नहीं कर रहे, यानी रिवर्स चार्ज के लिए आपको सेक्शन 24 में बात कर रहे हैं। सेक्शन 24 में अगर फॉल करेंगे तो आप टर्नओवर देखेंगे नहीं, इसके अंदर रिवर्स चार्ज में जिसको जीएसटी जमा करना है वो तो देखेगा ही नहीं, वो तो कभी देखेगा ही नहीं कि उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है, मतलब टर्नओवर क्या है उसे देखना ही नहीं है। तो ये सिर्फ सप्लायर बेस है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवरी सप्लायर शैल बी लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। एक एवरी सप्लायर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट इन दी स्टेट, एक स्टेट में कराना होता है या यूटी में, अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं जिनके लिए अलग बात कही जा सकती है, यहाँ कितनों के लिए कही देखेंगे। अगर इसकी टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ 40, 20 और से ज़्यादा हो जाए, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 10 लाख है, कुछ स्पेशल, टोटल 11 होती है, जिसमें जिन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को बोला गया है कि आप अपने हिसाब से अपनी लिमिट्स वगैरह डिसाइड कर सकते हैं, तो कुछ कई जगह डिसाइड कर लेते हैं, तो यहाँ देखेंगे। मैं आपको बता दूँ, चार स्टेट्स तो ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भैया अगर 10 लाख से ऊपर हमारा टर्नओवर निकल गया हमारे यहाँ किसी पर्सन का तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 6 स्टेट्स, ये 4 हैं, 6 स्टेट्स कहते हैं अगर 20 लाख से ऊपर टर्नओवर निकल गया तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, टर्नओवर मतलब एग्रीगेट टर्नओवर। बाकी सारे 40 लाख देते हैं, ये 40 लाख की लिमिट आई है 23 दो में, लेकिन 23 दो सब चीजों के लिए 40 लाख नहीं कहता, 23 दो कहता है कि 40 लाख कुछ सर्टेन कंडीशंस पे होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो आप आइए 10 लाख वाली, 10 लाख वाले में अगर हम जाएं तो चार स्टेट्स हैं जो कहते हैं 10 लाख से ऊपर किसी का टर्नओवर निकलेगा तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये एक एम हो गया, टी हो गया, तो एमएमटी आपने सुना होगा, मेक माई ट्रिप, तो एमएमटी से हम क्या करते हैं जनरली जर्नी करते हैं, तो एमएमटी से नागालैंड, तो एमएमटी से अगर आप नागालैंड, ऐसे याद करने के लिए बोल रहा हूँ, एमएमटी से नागालैंड जाना है, उसमें टर्नओवर हमारी कितनी है 10 लाख। फर्स्ट एम इज मणिपुर, सेकेंड इज मिजोरम, टी फॉर त्रिपुरा एंड एन फॉर नागालैंड। 6 स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी और तेलंगाना। इन 6 स्टेट्स में हम इसे ऐसे कर सकते हैं, आपने पीटी उषा सुना था, इसको हम बोल सकते हैं पीटी सुमा, पीटी सुमा, पीटी सुमा वाले स्टेट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर 20 लाख से ऊपर टर्नओवर निकलेगा एग्रीगेट टर्नओवर तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। एग्रीगेट टर्नओवर में आप हमेशा ध्यान रखिए इसके अंदर क्या क्या शामिल रहेगा, टैक्सेबल सप्लाई, जीरो रेटेड, निल रेटेड, एग्जम्प्टेड, सब कुछ शामिल रहेगा, टैक्सेस एक्सक्लूड हो जाएंगे और इसमें इंटरेस्ट भी शामिल रहेगा। ये 6 स्टेट्स, 6 4 10, इनके अलावा 11वां यहां फॉल करेगा, उसके लिए मैं अभी बात बताऊंगा। अब मेजर बात क्या है, टी यहां पर भी आ रहा है, टी यहां पर भी आ रहा है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, यहां त्रिपुरा है यहां तेलंगाना है। एम यहां पर भी आ रहा है मणिपुर मिजोरम, यहां पर भी एम आ रहा है, तो कंफ्यूजन हो सकता है मेघालय के इधर गया, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है एमएमटी से नागालैंड जाना है, बट कहां नहीं जाना है, मेघालय और तेलंगाना। एमएमटी से नागालैंड जाना है 10 लाख हो गया, कहां नहीं जाना है, मेघालय और तेलंगाना। सो जब टी आएगा तो आपको ध्यान होगा कहां नहीं जाना है, तेलंगाना यानी पीटी सुमा में, और मेघालय भी कहां है, पीटी सुमा में। तो मणिपुर और मिजोरम
वो यहां पर आएंगे। तो एमएमटी से नागालैंड जाना है, कहां नहीं जाना है, तेलंगाना एंड मेघालय। तो इसलिए मेघालय वाला एम यहां नहीं आएगा और तेलंगाना वाला एम भी यहां नहीं आएगा। इज इट क्लियर? अब बाकी जो स्टेट्स बच गए, यहां तीन बात देखिए। कहते हैं अगर आप ओनली गुड सप्लायर हैं या आप ओनली सर्विस और गुड्स प्लस सर्विस या आप टिप। टिप आप समझते हैं, टिप क्या है? टिप हमने बताया हुआ है आपको, टिप इज टोबैको, टोबैको आइसक्रीम और पान मसाला सप्लायर, इनके सप्लायर। अगर आप ओनली गुड्स हैं तो लिमिट इज 40 लाख। और ये बात किसने दी है 40 लाख की लिमिट? सेक्शन 23(2) नोटिफिकेशन 10/2019। लेकिन 23 इतना बड़ा है कि फिर 22 उसको ध्यान में रख के ही पढ़ा जाएगा। अगर आप गुड्स केवल सर्विस सप्लायर है, गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी देते हैं, देन योर लिमिट इज 20 लाख। और अगर आप टिप हैं, टोबैको आइसक्रीम पान मसाला, तो भी आपकी लिमिट है 20 लाख। और सर इनमें इनमें बेटे चाहे गुड्स हो, सर्विस हो, गुड्स सर्विस हो, टिप हो, कुछ भी हो, इनमें हमेशा लिमिट 20 लाख रहेगी, इनमें हमेशा लिमिट 10 लाख रहेगी। इन दोनों, इन 10 स्टेट्स के अलावा आप जब भी जाएंगे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर या तो आप गुड्स के केवल सप्लायर हैं तो इस तरीके से जाएंगे, लिमिट आपकी 40 लाख हो जाएगी, बट ये किसके थ्रू होगी? सेक्शन 23(2) सर्विस दे रहे हैं केवल या गुड्स प्लस सर्विस दे रहे हैं तो 20 लाख रहेगा, और टिप के सप्लायर है तो 20 लाख रहेगा। ठीक है, देन नाउ अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं। देखिए पहला वाला कॉलम है सिर्फ गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, यहां सिर्फ सर्विस की कर रहे हैं, ये गुड्स एंड सर्विस दोनों दे रहे हैं, और यहां टिप है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, एमएमटी से नागालैंड, इनमें बेटे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन एवरी केस द लिमिट इज 10 लाख। फिर पीटी सुमा, वेयर एम मींस मेघालय, वेयर टी मींस तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी, ये पीटी सुमा वाले आ गए 6। इनमें हर हाल में लिमिट क्या है आपके? 20 लाख। इनके अलावा अगर कोई भी बचा, केवल गुड्स कर रहा है तो लिमिट 40 होगी, केवल सर्विस कर रहा है, गुड्स के साथ सर्विस कर रहा है तो 20 होगी, और टिप कर रहा है तो 20 होगी। टिप के चाहे मैन्युफैक्चरर और सप्लायर। ये सारी लिमिट्स तभी एप्लीकेबल होंगी जब 24 ना लग रहा हूं। मैंने आपको क्या बोला? 22 सबसे आखिरी द्वार है। अगर आप सबसे पहले 23 देखिए, अगर आप 23 में आ गए तो भूल जाइए, नमस्ते करिए, बोलिए साहब रजिस्ट्रेशन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। 23 में नहीं आया तो 24 में जाइए, 24 में अगर फॉल कर गए तो टर्नओवर पे ध्यान ही मत दीजिए, चुपचाप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अगर आप 24 में भी फॉल नहीं करे तो 22 में जाइए, 22 में जाके देखिए क्या मैं रजिस्ट्रेशन में फॉल करूंगा या नहीं करूंगा, कब? जब मेरी टर्नओवर क्रॉस होगी। तो ये सारी लिमिट तभी देखने जब हम 24 में ना आते। ठीक है, आगे एग्जाम्पल। अब जरा देखिए साहब, इन्हें पृथ्वी ऑफ असम, पृथ्वी ऑफ असम। अब असम एमएमटी नागालैंड में भी नहीं आता, पीटी सुमा इसमें सर ए आ रहा है, वो ए इज अरुणाचल प्रदेश, तो असम वहां पे भी नहीं आता, तो 10 में नहीं आता, तो असम कहां गया? 11वें में। अब केवल अगर शूज यानी गुड्स के सप्लायर हो तो योर लिमिट इज 40 लाख
एंड योर इफ योर टर्नओवर इज एग्रीगेट टर्नओवर, फर्स्ट कॉलम इज एग्रीगेट टर्नओवर, इफ योर एग्रीगेट टर्नओवर इज 22 लाख, तो रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। सर में पान मसाला, ओ माई गॉड, वेरी बैड, पान मसाला ठीक चीज नहीं है। पान मसाला के अगर आप सप्लायर हैं तो आपका बेकार है, आप कहीं पर भी रहिए, आपकी लिमिट इज 20 लाख एंड योर टर्नओवर इज 22 लाख, हेंस रजिस्ट्रेशन होगा। सर्विसेज दे रहे हैं केवल आप, तो भी 20 लाख है लिमिट, आप 22 दे रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। गुड्स और सर्विस दोनों है तो 20 लाख है, 22 दे रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सर तेलंगाना, ओ हो 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 हो, MMT से नागालैंड जाना था, कहाँ नहीं जाना था, तेलंगाना नहीं जाना था, तेलंगाना नहीं जाना था और मेघालय नहीं जाना था। तो तेलंगाना और मेघालय कहाँ आ रहे थे, उन 6 स्टेट्स में, वहां पर हर हाल में क्या लिमिट है, 20 लाख, बिना कुछ देखे। अब इसकी एग्रीगेट 22 है तो इसे हर हाल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सर मणिपुर MMT आएगा, MMT नागालैंड में, तो मणिपुर मिजोरम में। अब मणिपुर के केस में क्या होगा कि इन एवरी केस लिमिट 10 लाख है, इन एवरी केस द लिमिट इज 10 लाख, और सपोज योर एग्रीगेट टर्नओवर इज 12 लाख, इन दिस केस यू हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन। सो इट्स वेरी, 10 लाख में आए चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, 6 आपके आए इसमें क्या कहते हैं 20 लाख में, और रेस्ट जो बच गए उनको आपको 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करना है। इफ ओनली गुड्स 40 लाख, बिकॉज ऑफ 23(2) यू हैव टू गिव द नोटिफिकेशन कि वो 23(2) के अंदर आया हुआ है। 23(2) क्या है कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो नोटिफाई कर सकती है एग्जम्पशन के लिए कुछ लोगों को, तो वहाँ से 40 लाख रुपए तक का टर्नओवर लिमिट मिलेगा इफ आप सप्लायर ऑफ गुड्स हैं। अगर गुड्स के साथ सर्विस भी है तो 20 ही रहेगा, टिप है अगर तो भी 20 ही रहेगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज एग्रीगेट टर्नओवर, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन माय लेक्चर नंबर 12 दैट इज कंपोजिट सप्लाई, बट मैं उसको फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो एग्रीगेट टर्नओवर क्या है, एग्रीगेट टर्नओवर यू हैव टू डू द एग्रीगेशन। देखिए सारी सेल का पैन बेस ऑल इंडिया इंपॉर्टेंट बात है, आपको पैन बेस करना है और ऑल इंडिया बेसिस पे, भले ही हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना होता है, हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना होता है, लेकिन जब उसके लिए एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे तो पैन बेस देखेंगे, सारी स्टेट्स का टोटल करना पड़ेगा, किसका, सभी तरीके की टर्नओवर का, क्या क्या एग्जम्प्ट ले लो, एक्सपोर्ट ले लो, गुड्स का सर्विस का इंटर स्टेट ले लो, टैक्सेबल सप्लाईज ले लो, सिर्फ रिवर्स चार्ज को आप एक्सक्लूड कर देंगे, यू हैव टू एक्सक्लूड द रिवर्स चार्ज, ठीक है, और एक्सक्लूड क्या क्या करेंगे, टैक्सेस सारे एक्सक्लूड कर देंगे, बट यहाँ पर आप एक्सक्लूड नहीं करेंगे इंटरेस्ट को, ठीक। तो एवरी, जरा लाइन पढ़िए क्या लिखा है, एवरी सप्लायर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन विल हैव टू टेक अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन इन एवरी स्टेट इवन दो द सप्लायर मे बी सप्लाइंग गुड्स और सर्विस बोथ फ्रॉम मोर देन वन स्टेट एज अ सिंगल एंटिटी। यानी हर एक को स्टेट वाइज सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, लेकिन टर्न ओवर के बेसिस पे ऑल इंडिया देखना पड़ेगा, ठीक है। अब सर एक क्वेश्चन ये उठता है हमारा कि मान लीजिए मेरा स्टेट है एक, एक ब्रांच तो है मेरी यूपी में और एक है मेरी मणिपुर में MMT वाली। अब यूपी में मेरा टर्नओवर हुआ है, अच्छा मैं केवल गुड्स का सप्लायर हूं, केवल गुड्स का, अब यूपी में भी काम करता हूं मणिपुर में भी, व्हाट इज माय टर्नओवर लिमिट, इन दैट केस योर टर्नओवर लिमिट मणिपुर वाली मानी जाएगी। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर आप किसी भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में चले गए तो वो आप पे हावी हो जाएगा, फिर आप भले ही यूपी के लिए भी देख रहे हैं बट आपको इसको ध्यान में रख के सारे डिसीजन लेने पड़ेंगे। दैट इज द पॉइंट, इफ अ पर्सन हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन डिफरेंट स्टेट अक्रॉस इंडिया हैज अ ब्रांच इन एनी ऑफ द स्पेशल कैटेगरी स्टेट, अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में एक भी ब्रांच निकली, द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर GST रजिस्ट्रेशन विल बी रिड्यूस टू 20 लाख और 10 लाख। That is the most important point. ठीक है बच्चों,
नाउ दिस इज 22-1 जिसमें थ्रेशोल्ड लिमिट है. 22-2 क्या कहता है, 22-2 कहता है कि भाई जो भी 1 जुलाई 2017 जिस दिन जीएसटी जन्म ले रहा था, अगर उस दिन कोई भी एग्जिस्टिंग किसी सर्विस टैक्स वैट एक्साइज कहीं पर भी अगर कोई रजिस्ट्रेंट था वो टर्नओवर ना देखे, उसे तो हर हाल में अपॉइंटेड डे दैट इज 1 जुलाई 2017 है. अपॉइंटेड डे जब भी नाम आएगा 1 जुलाई 2017 होगा, 1 जुलाई 2017 को उसको तो अपना रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर. मतलब 1 जुलाई 2017 जीएसटी आने से पहले इफ आई एम रजिस्टर्ड इन सर्विस टैक्स, अब मेरा टर्नओवर भाई सर्विस टैक्स में 10 लाख से ऊपर पे रजिस्ट्रेशन होता था, मेरा टर्नओवर 12 था, मैं सर्विस टैक्स में तो रजिस्टर्ड था, लेकिन जीएसटी में मैंने सोचा 20 से नीचे है तो मुझे रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं. ऐसा नहीं होगा. अगर आप एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेंट हैं तो आपको अपॉइंटेड डे में रजिस्ट्रेशन लेना था, दैट इज 22. द एवरी पर्सन हु ऑन द डे इमीडिएटली प्रिसीडिंग द अपॉइंटेड डे, दिस इज 1 जुलाई, अपॉइंटेड डे इज ऑलवेज 1 जुलाई, 1 जुलाई 2017 जिस दिन जीएसटी आ रहा था, is registered or hold a license and existing law shall be liable to be registered under this act with effect from the appointed day. Act मतलब CGST Act. Then, अगर business transfer कर रहे हैं आप किसी को, मैं अपना business आपको दे रहा हूँ, अरे आपको GST में नया registration लेना होगा या नहीं लेना होगा? Definitely लेना होगा. वजह यह है क्योंकि pen base है, मेरा pen different है, आपका pen different है, we have to take the new register. तो ये बात इन्होंने यहां पर बोली. इसके अलावा अगर एमलगमेशन या डीमर्जर हो रहा है तो एमलगमेशन हमेशा हाई कोर्ट के ऑर्डर से होता है, डीमर्जर हाई कोर्ट के ऑर्डर से होता है, बिकॉज इसमें हमें प्रोटेक्ट करना होता है क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट. एमलगमेशन क्या है, ए और बी दो कंपनियां मिलकर सी बन गए, तो ए और बी खत्म हो रहे हैं, तो ए और बी के जो क्रेडिटर्स हैं उनका क्या होगा, तो हाई कोर्ट में जाना पड़ता है एंड हाई कोर्ट सिक्योर करता है इन लोगों की पेमेंट्स, जितने भी लोन्स आउटसाइडर्स हैं उन लोगों का. तो हाई कोर्ट के ऑर्डर को लेके आप सी कंपनी के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाते हैं और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी हाई कोर्ट को के ऑर्डर को इफेक्ट देता है आपको नया रजिस्ट्रेशन देके. मतलब ए कंपनी बी कंपनी एमलगमेट होकर सी बन गए, तो सी लिमिटेड बनने के लिए हाई कोर्ट का एक ऑर्डर लेना होगा जिसमें ए और बी दोनों का एसेट्स और लाइबिलिटी सी में चले जाएंगे. हाई कोर्ट ऑर्डर दे देगा कि भाई आप कर सकते हो एमलगमेशन, फिर आपको इस ऑर्डर को लेके कहाँ जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, और वो आपका इस ऑर्डर को इफेक्ट देगा कैसे, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दे. तो उस केस में आपको जिस दिन से सर्टिफिकेट इशू होता है वहां से अपने आप को रजिस्टर्ड कराना होगा, तो विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच रजिस्टर ऑफ कंपनी इशू द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. ठीक है बच्चों, देन एग्रीगेट टर्नओवर हमें बात आई गई है. अब आ जाते हैं सेक्शन 23, सुप्रीम सबके पापा, 22, 23, 24 में सबके पापा. सेक्शन 23 के अंदर अगर आप आ गए तो फिर आपको 22, 24 की कुछ मत सुनिए, आपको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है. 23 भी दो पार्ट में, 23-1, 23-2. 23-1 क्या कहता है, 23-1 क्या कहता है, 23-1 के भी दो पार्ट हैं ए और बी. 23-1 में ए पार्ट में वो कहते हैं कि अगर आप पेट्रो प्रोडक्ट यानी जीएसटी में जो नॉन टैक्सेबल प्रोडक्ट है पेट्रो को अगर आप सप्लाई करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं, या होली एग्जम्प्टेड गुड्स के सप्लायर हैं एक्सक्लूसिवली, मतलब ऐसा नहीं हो कि मैं पेट्रो के साथ कोई टैक्सेबल करता हूँ या एग्जम्प्टेड के साथ कोई टैक्सेबल करता हूँ, नो, मैं एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड गुड्स या एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल गुड्स. नॉन टैक्सेबल का मतलब पेट्रोल वाले जो होते हैं, पेट्रोल के पास जो हमारे प्रोडक्ट है उनके बारे में बात करें, या होली एग्जम्प्टेड को सप्लाई करता हूँ एक्सक्लूसिवली, तो मैं क्यों रजिस्ट्रेशन कराऊंगा? अरे मैं 2000 करोड़ का सप्लायर हूँ बट ऐसे गुड्स का सप्लायर हूँ या ऐसी सर्विसेज का जो गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट कर रखी है, तो मैं काहे को जीएसटी के चक्कर में पड़ूंगा? या मैं पेट्रोल पंप हूँ, अब पेट्रोल पंप और मैं इन चीजों का सप्लायर हूं तो मैं क्यों जीएसटी के चक्कर में पड़ूंगा? देयर इज नो क्वेश्चन, कोई जरूरत नहीं है. बट एक्सक्लूसिवली अगर मैं इसके साथ कोई टैक्सेबल चीज करूंगा तो मैं 23-1A से बाहर हो जाऊंगा, फिर मुझे 22 में ही जाना पड़ेगा. 23-1 का बी पॉइंट है, अगर आप एग्रीकल्चरलिस्ट हैं और कल्टीवेशन ऑफ लैंड से अगर आप कुछ भी उगाते हैं तो जितने रुपए तक आप ग्रो करते हैं
उतने रुपए तक की टर्नओवर आपकी काउंट नहीं होगी, जीएसटी उस पर नहीं लगेगा। मतलब सर, इफ आई एम एग्रीकल्चर, हु कैन बी द एग्रीकल्चर, ओनली इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। वो अगर कल्टीवेशन ऑफ लैंड से कुछ भी चीज ग्रो करता है तो वो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सर, खुद करे, हायर्ड लेबर से कराए या फैमिली मेंबर से कराए, एन एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, एग्रीकल्चरिस्ट कौन होंगे? इंडिविजुअल और एचयूएफ। इसका मतलब अगर कोई कंपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करती है, वो 23-2 का पार्ट, 23-1B का पार्ट नहीं बनेगी। इंडिविजुअल एचयूएफ ओन लेबर से करें, फैमिली से करें, या कोई सर्वेंट वगैरह अपॉइंट करके करें, तो भी फाउंड। इज इट क्लियर? सर, क्या इसकी टर्नओवर, जैसे अब मेरी बात समझिए, एक एग्रीकल्चरिस्ट है, कल्टीवेशन ऑफ लैंड से 8 लाख रुपए का टर्नओवर कर रहा है, इसके अलावा कुछ टैक्सेबल गुड्स भी बेचता है, उनसे 13 लाख का टर्नओवर कर रहा है। यहां एक्सक्लूसिव होने की जरूरत नहीं है, प्लीज मेरी बात समझिए। 23-1A में कहता है एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड सप्लाई करनी है। 23-1B में वो कहते हैं कि अगर आप एग्रीकल्चरलिस्ट हो तो इतने 8 लाख तक को हम जीएसटी में काउंट नहीं करेंगे। दैट्स इट, ठीक है। अब मेन बात है, कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं कराना है। अब इस 13 लाख के लिए ये कहाँ जाएगा? सेक्शन 22 के अंदर, क्योंकि 13 लाख जो टैक्सेबल सप्लाई है, इसके लिए 23 ने कुछ नहीं कहा, इसके लिए जाएगा 22 के अंदर। 22 कहता है एग्रीगेट टर्नओवर। देखो, अब एग्रीगेट टर्नओवर में क्या ये 8 जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, ये बड़ा एक कंफ्यूजन पॉइंट है। एज पर दी लॉ देखने से लगता है कि ये नहीं जुड़ेगा, बट आईसीआई स्टडी मटेरियल ने बोला है भाई एग्रीगेट टर्नओवर में इसे जोड़ लेना। तो अभी हम ये मानते हैं कि इसे जोड़ लेंगे, 13-8-21 होगा। मेरी बात दोबारा समझिए, एग्रीकल्चरलिस्ट 8 लाख का सप्लाई करता है, 23-1B में आ गया, कोई मतलब नहीं है। 13 लाख का टैक्सेबल गुड्स और बेचता है, अब जो टैक्सेबल गुड्स बेचता है वो 23 में कहीं फॉल नहीं कर रहा, तो इसके लिए हम 22 में जाएंगे। 22 कहता है कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं कराना है एग्रीगेट टर्नओवर। देखो, एग्रीगेट टर्नओवर में ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, सब कुछ जुड़ेगा, टैक्सेस कुछ होगा। 21 हो गया, 21 हो गया, तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अगर वो 20 वाली लिमिट में आता है, 40 वाली में आता है तो नहीं कराना, ठीक है। 23-1 में दो पार्ट हो गए, ए एंड बी। व्हाट इज ए? एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड बेचते हो, एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल बेचते हो, दैट इज पेट्रो वगैरह बेचते हो, ठीक है। बी क्या हो गया? एग्रीकल्चरिस्ट हो, तो जितना एग्रीकल्चर से कल्टीवेशन ऑफ लैंड से आप करते हो वो सब हट जाएगा। एग्रीकल्चरिस्ट कौन होगा? इंडिविजुअल। इसके अलावा अगर टैक्सेबल करते हो तो 22 में जाओगे, एग्रीगेट टर्नओवर बेस पे। 23-2 क्या चीज़ है? बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें गवर्नमेंट के पास एक पावर है, वो चाहे तो रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, जीएसटी काउंसिल के बेसिस पे नोटिफिकेशन लाके कुछ स्पेशल कैटेगरी ऑफ पर्सन को एग्जम्प्ट कर सकती है। यानी हम अगर बोलते 23-2 से एग्जम्पशन मिली है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट को रिकमेंड किया जीएसटी काउंसिल ने, आप नोटिफिकेशन लाके एग्जम्प्ट कर दीजिए, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने किन किन को एग्जम्प्ट किया है, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। अगर आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आते हैं, अब सर ये क्या हुआ? देखिए, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में दो आएंगे, ए बी को, ए इज द सप्लायर, बी इज द रिसीपिएंट। ए ऐसी सप्लाई कर रहा है जो रिवर्स चार्ज में आती है, तो इसके लिए जीएसटी कौन देगा? बी। रिवर्स चार्ज के अंदर रिसिपिएंट देगा, तो ए अगर एक्सक्लूसिवली ऐसी सप्लाई कर रहा है जो रिवर्स चार्ज में आती है, तो ए कहेगा भाई मैं जीएसटी में क्यों हूं, क्योंकि जीएसटी की लाइबिलिटी तो किसकी है? बी की। तो ऐसी कंडीशन में ए शुड नॉट कम अंडर जीएसटी, इस बात को यहां कहा गया। तो सप्लाई अगर आप दे रहे हैं, यहां बात कर रहे हैं सप्लायर, पर्सन हु आर मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी इस सप्लायर को ये जीएसटी में एग्जम्प्ट होगा। रिसिपियंट इज लाइबल, उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा 24 में, क्योंकि 22 केवल सप्लायर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये रिसिपियंट किसके बारे में, कहाँ जाएगा? 22 में जा नहीं सकता, 22 में सप्लायर आ रहे हैं, 23 में इसको एग्जम्प्ट किया है, तो ये 24 में जाएगा। जब मैं 24 पढ़ाऊंगा तो आपसे डिस्कशन। अगर कोई पर्सन हैंडीक्राफ्ट सप्लाई कर रहा है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स, देखिए हैंडीक्राफ्ट अगर कोई सप्लाई कर रहा है तो वो 10 लाख 20 लाख से ऊपर या 40 लाख से ऊपर जैसे ही सप्लाई करेगा उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो सर ये बात तो 22 में भी कही गई, पर प्रॉब्लम क्या है?
एक सेक्शन 24 है, 24 किस बारे में बात कर रहा है कि किनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना है। उसमें एक पॉइंट है, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए पॉइंट, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो आपको कंपलसरी 24 में जाके रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है। यानी 22 केवल विद इन स्टेट के बारे में बात कर रहा है, 24, 22 की लिमिट्स आप तब देखते हैं जब विद इन स्टेट होते हैं। अगर आपने इंटर स्टेट जैसे ही आपने गुड्स की सप्लाई करी, फौरन ही आप किस में आ जाएंगे, 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना। हैंडीक्राफ्ट वाले क्या होते थे, उन छोटे छोटे तरीके से माल बनाते थे, अपने स्टेट से बाहर भी माल भेजते थे, अब जैसे ही भेजते थे वो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में फंस जाते थे। तो गवर्नमेंट ने उनको ईज करने के लिए बोला कि 24 तब लगेगा जब 23 कुछ ना बोले। अब 23 ने कहा कि आप हैंडीक्राफ्ट वाले हो, आप इंटर स्टेट भी सप्लाई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 20 और 40 लिमिट जो भी है रेस्पेक्टिव है, उस तक अगर आपकी टर्नओवर है तो हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, एंड यू नीड नॉट टू गेट योर सेल्फ। तो वैसे इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, बट अगर आप हैंडीक्राफ्ट हो तो आप इंटर स्टेट भूल जाओ, 10 लाख 20 लाख और 40 लाख तक का टर्नओवर है तो रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं। नॉर्मल गुड्स के सप्लायर हो, इंटर स्टेट होते ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, लिमिट देखने की जरूरत ही नहीं है, 10 20 और 40 विद इन स्टेट के लिए होती है 22 में। तो हैंडीक्राफ्ट के केस में अगर आपका टर्नओवर 40 लाख 20 लाख 10 लाख है ऑल इंडिया बेसिस पे, इंटर स्टेट पे भी, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। जॉब वर्कर के साथ भी उन्होंने यही कहा है कि 40, 20 या 10 आप देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटर स्टेट भी करते हैं। सेम सर्विसेज को भी हटा दिया गया है, अगर आप सर्विसेज भी देते हैं, इंटर स्टेट सर्विस देते हैं, देन कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। इंटर स्टेट अगर आप सर्विस देते हैं तो 10-20 लाख 10 लाख वाली लिमिट रहेगी, 40 लाख लगती नहीं है, 40 लाख इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन सर्विसेज प्रैक्टिकली। क्यों? क्योंकि सर्विसेज के केस में तो 40 लाख कोई लिमिट ही नहीं है, 20 लाख और 10 लाख यानी 24 में जाएंगे नहीं। अगर आप सर्विस दे रहे हैं, इंटर स्टेट दे रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 10 लाख 20 लाख तक पे आपको कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। एक नोटिफिकेशन आया 10/2019 जिसके बारे में बात कर रहा हूं, ये क्या कह रहा है जरा देखिए, ये वो वाली बात कर रहा है 40 लाख वाली, तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। यानी 40 लाख क्या कि 40 लाख एक तो उन 10 स्टेट्स को छोड़ दीजिए, बाकी स्टेट्स के केस में, गुड्स के केस में अगर आप केवल गुड्स का सप्लायर है तो 40 लाख तक पे आपको रजिस्ट्रेशन करा देने की जरूरत है, लेकिन अगर आप टिप के सप्लायर है यानी टोबैको आइसक्रीम पान मसाला, देन यू हैव टू, देन योर लिमिट इज 20 लाख, या आप सर्विसेज देते हैं या गुड्स के साथ सर्विसेज देते हैं तो भी 20 लाख रहेगी, वो ये वाली बात है। तो 40 लाख की टर्नओवर किन लोगों को मिलती है, रजिस्ट्रेशन से एग्जम्प्ट है, लेकिन कौन कौन नहीं 40 लाख को कवर करेंगे, जो भी सेक्शन 24 के अंदर आएंगे, यानी इफ़ यू आर कवर्ड अंडर सेक्शन 24 तो 40 लाख भूल जाइए। अगर आप आइसक्रीम पान मसाला टोबैको के सप्लायर हैं तो भूल जाइए, या आप इन 10 स्टेट में मिजोरम नागालैंड इन सब में देते हैं तो आप भूल जाइए 40 लाख की लिमिट को, या आप खुद बकरा हैं, आप कहते हैं मैं वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेना चाहता हूँ, अभी तो वॉलेंट्री वाले को तो काई की लिमिट देखनी, जो कह रहा है मुझे तो लेना ही है अपना जो है वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेना है, तो उसको लिमिट देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नोटिफिकेशन ये बात कह रहा है 40 लाख रुपए तक की लिमिट मिल रही है केवल गुड्स के सप्लायर को, पर वो 10 स्टेट्स के अंदर नहीं होना चाहिए, टिप का सप्लायर नहीं होना चाहिए, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन उसको नहीं लेना है, वॉलेंट्री नहीं चाहता है वो लेना, ठीक है, और सेक्शन 24 में भी नहीं आना। नाउ 24 में अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो 24 में ही आ जाएंगे, तो फिर बेकार है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मैं गुड्स का सप्लायर हूं लेकिन मैं इंटर स्टेट सप्लाई करता हूं, जरा मेरी बात समझिए, माय टर्नओवर इज 26 लाख, एक्सक्लूसिवली गुड्स यूपी टू दिल्ली बेचता हूं, अब यूपी टू दिल्ली बेचता हूं तो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स आ गए, हैंडीक्राफ्ट को छोड़ के कोई भी गुड्स आ गए तो 24 में चले गए, 24 में चले गए तो आपकी आपको 40 लाख नहीं मिलेगी, आप 20 लाख से ऊपर हो गए, अब 20 लाख भी नहीं मिलेगी, वो तो 24 में चले गए तो रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है। जरा एक इस इलस्ट्रेशन को देखिए, बड़ा अच्छा इलस्ट्रेशन है,
मिस्टर ए ऑफ राजस्थान, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ के होते हैं, मिस्टर ए ऑफ राजस्थान ये सप्लाई कर रहे हैं हमें, देख रहे हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इंडिविजुअल है यानी एग्रीकल्चरिस्ट बन सकता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो इसके मैं फैमिली मेंबर्स ने उगाया इसकी सप्लाई कर रहा है, इस पर क्या लग जाएगा 23(1). ठीक है, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर होली एग्जम्प्ट, होली एग्जम्प्ट इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स है इसके पास, इंट्रा विद इन स्टेट है, विद इन स्टेट सप्लाई ऑफ क्या कर रहा है, होली एग्जम्प्ट की, क्या 23(1)(a) लगेगा, 23(1)(a) लगने के लिए इसको कंप्लीटली एग्जम्प्टेड में ही डील करना पड़ेगा, लेकिन यहां ये टैक्सेबल में भी कर रहा है, 23(1)(a) कहता है आप केवल एग्जम्प्टेड का ही काम करिए, तो यहां 23(1)(1) नहीं लगेगा, 23(1)(a) नहीं लगेगा क्योंकि ये टैक्सेबल भी दे रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हैं विचार होली एग्जम्प्टेड, तो ये तीनों 23 के दायरे में नहीं आए क्योंकि इनके साथ टैक्सेबल भी हो रहा था, ये 23 के दायरे में आ गए। अब जो चीज 23 के दायरे में नहीं आई और इंट्रा है, सब इंट्रा है, तो 24 में भी नहीं आए, 23 और 24 में नहीं आए तो कहां चले गए आप, 22 में, 22 में चले गए तो आपको लिमिट देखनी पड़ेगी, तभी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, लिमिट के लिए आपको देखना पड़ेगा आप 10 स्टेट्स में आते हैं, MMT नागालैंड या PT सुमा, 4 और 6 10, या अदर्स में आते हैं, राजस्थान अदर्स है, अदर्स में है तो फिर आपको देखना पड़ेगा आप गुड्स दे रहे हैं या गुड्स और सर्विस दोनों दे रहे हैं, सर गुड्स भी दे रहे हैं और सर्विस भी दे रहे हैं, गुड्स और सर्विस अगर आप दोनों दे रहे हैं तो योर लिमिट इज 20 लाख। नाउ अब हमें आपकी लिमिट जोड़नी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के लिए, उसमें हम सब कुछ जोड़ेंगे इंक्लूडेड दिस ऑल्सो, तो 8, 6, 14, 15, 5 20 लाख 50 हज़ार, 20 लाख से आप ऊपर निकल गए, हैंस आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। देखा आपने मैंने कैसे डील करा, सबसे पहले मैंने देखा 23 लग रहा है या नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, फिर मैंने देखा 24 लग रहा है या नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, तो मैं 22 में गया, 22 में गया तो मैंने देखा 4 और 6 10 स्टेट्स में आते हैं, अदर्स में आते हैं, अदर्स में आते हैं, फिर मैंने देखा आप गुड्स दे रहे हैं केवल या गुड्स के साथ सर्विस भी दे रहे हैं, अगर गुड्स के साथ सर्विस दे रहे हैं लिमिट इज 20 लाख, फिर हमने एग्रीगेट टर्नओवर करा जिसमें सब जोड़ एग्जम्प्टेड टैक्सेबल सब। ठीक है, इलस्ट्रेशन 2, ये XYZ लिमिटेड है राजस्थान में, इंट्रा 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 यानी 24 में नहीं आ रहे, टैक्सेबल गुड्स दे रहे हैं, होली एग्जम्प्टेड भी दे रहे हैं और निल रेटेड भी, यानी आप एक्सक्लूसिवली सिर्फ एग्जम्प्टेड का काम नहीं करते हैं, आप एग्जम्प्टेड के साथ टैक्सेबल भी देते हैं, तो 23 में भी नहीं आते, 23(1)(a) में आने के लिए एग्जम्प्टेड ही सिर्फ एग्जम्प्टेड का काम करना था, तो आप ना 24 में आ रहे हैं 24 के लिए इंटर करना था, ना 23 में आ रहे हैं 24 और 23 में नहीं आ रहे, तो 22 में चले गए, 22 में चले गए तो अब आपका टर्नओवर देखना पड़ेगा, अब आप कहाँ पे हैं, राजस्थान में, राजस्थान में है तो MMT से नागालैंड और PT सुमा हट गए, अदर्स में चले गए, अब देखो गुड्स में हो सर्विस, गुड्स 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 केवल गुड्स में हो, टिप में तो नहीं हो, नहीं सर टिप में नहीं हो, तो फिर आपके लिमिट हो गए 40 लाख, अब हम आपका टर्नओवर जोड़ेंगे 40,01,000, यू हैव टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड, लायबल टू बी रजिस्टर्ड, ये बाकी आप होमवर्क में करिए, एक बार बाकी सारे इलस्ट्रेशन होमवर्क पे करिए, फिर हम देखते हैं बात करते हैं, ठीक है, बाय बाय, और नेक्स्ट क्लासेस ऑफ सेक्शन 24 उसके बाद दोनों को एक बार व्यू करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, इस समय रात का क्योंकि 3 बज रहा है तो बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा, तो 24 आज नहीं ले रहा हूँ मैं, आई विल टेक इट इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।